साथियों, हमारी जो बुक है ये 11,000 प्लस जो खान सर की न्यू बुक है साइंस प्लस जीके, इस बुक का हम पूरा सोल्यूशन करेंगे और बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह करेंगे। इस बुक यो ये हमारी जो वीडियो है, इससे आप अपनी प्रैक्टिस सेट करें, आपका कितना सही होते हैं और आपकी जो तैयारी है वो इससे पता लग जाएगी हमारी कितनी ठीक है। और दोस्तों, ये सारे के सारे इस बुक में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, और एनटीपीसी में आपके इसमें से अभी अभी दो जो पेपर हो रहे हैं इसमें बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, और ये आपको पार्ट बाय पार्ट आपको शुरू से ही हम कराएंगे, ठीक है। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे हम इस बुक को कराएंगे और मैराथन के रूप में कराएंगे। लगभग 1 घंटे से ऊपर ही हमारी हर क्लास आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आई क्वेश्चन देखते हैं। आई क्वेश्चन है हमारा दूसरा, संवेग इकाई क्या है। संवेग की इकाई पूछी गई है, तो क्या होगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन इसका, यानी कि बी ऑप्शन, किलोग्राम इनवर्स वन, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, देख सकते हैं कि ये प्रीवियस है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ये हो जाएगा कूलाम, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो किसकी इकाई है, ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, चार ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी, तो ये बी वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, दूरी वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ओ, ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एसआई प्रणाली में प्रति बल की माप इकाई क्या है। तो एसआई इकाई में प्रति बल्कि माप का ही क्या हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा छठे का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो हमारा हो जाएगा तो हम सही ऑप्शन, यानी कि इसका वो हो जाएगा, हम कह सकते हैं ए ऑप्शन, यानी विद्युत धारा का एम्पियर में, ये हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को मिलान कीजिए। हमारा मिलान करना है, तो मिलाएंगे हम सबसे पहले, तो आठ का हमारा एकदम सही ऑप्शन जो हो जाएगा, आप खुद मिला लेना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन, डी वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले का पहले वाले से मिल जाएगा, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, और तीसरे वाले का चुंबकीय फ्लक्स हेनरी, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, आठ का। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो हमको इनमें से ये बताना, इनमें से किसकी इकाई नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घनत्व की विस्थापन की, दाब की, इनकी सबकी होती है, और सापेक्ष घनत्व की नहीं होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से खाली स्थान सदिश राशि नहीं है। तो हमको बताना इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा बल, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो किसकी इकाई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चारों ऑप्शन में से 11 का वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन आवेग। आई क्वेश्चन देखते हैं, गैलन सामान्यतः खाली स्थान किया जाता है, किसमें इस्तेमाल किया जाता है गैलन का। तो राइट ऑप्शन जो होगा 12 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि गैलन, गैलन को नाम नाम से ही कुछ आप कर लें, तो इसका ये आयतन की माप के रूप में हम गैलन का प्रयोग करते हैं। आई क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। तो कौन सी प्रयोग जाती है, 13 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई वो हाँ एसआई इकाई पूछी गई है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक जो होता है, 15 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पास्कल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित की लंबाई की यूनिट है। तो अनुमानित की लंबाई यूनिट बतानी है, तो क्या हो जाएगा, तो 16 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल्कि ऐसा यूनिट क्या है, 17 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई रूप से सम्मिलित नहीं है। तो हमको इनमें से चारों ऑप्शन में से ये बताना कौन सी नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स
यानी कि जो मैग्नेटिक जो है वो फ्लक्स टेस्ला की नहीं है। तो ये हमारा क्या जाएगा, यही हमारा सही ऑप्शन 18 का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है विस्थापन का ऐसा ही कही क्या है, तो विस्थापन की ऐसा ही कही क्या है, 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन की मीटर, ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। क्वेश्चन है विभवांतर की एसआई इकाई है, तो विभवांतर की एसआई इकाई बतानी है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बोल्ट, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई है, तो शक्ति की एसआई अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन इसका वो हो जाएगा ए ऑप्शन वाट, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है, मतलब कि जी की और दोस्तों किसकी पूछी गई है, इनमें से चारों ऑप्शन है, इनमें से हमको बतानी है किसकी बराबर होगी, जो जी के स्मॉल जी की और तुरड़ की जो एसआई इकाई है वो सेम रहती है। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो किसकी है, तो राइट ऑप्शन अभी आपने देखा भी था, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 23 का वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कार्य और ऊर्जा की, ये हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं एन एम स्क्वायर के जी माइनस इनवर्स इनवर्स का स्क्वायर की ऐसा ही इकाई है, तो क्या हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, आप इसको अच्छे से इसको याद रख लें इसको, ठीक है एन एम स्क्वायर के जी इनवर्स में स्क्वायर कि ऐसा ही कहीं क्या हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की ऐसा ही कहीं क्या है, तो प्रतिरोधकता की ऐसा ही कहीं क्या हो जाएगी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई ऐसा ही कही क्या है, चाल की पूछिए अंतर्राष्ट्रीय, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो किसकी हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा डी, बल और भार की सेम होती है भौतिक में। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान की ऐसा इकाई जूल अपॉन सेकेंड है, तो जूल अपॉन सेकेंड किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी शक्ति की, जूल अपॉन सेकेंड किसकी, शक्ति की। आगे क्वेश्चन है त्वरण का ऐसा ही इकाई क्या है, तो त्वरण का ऐसा ही इकाई क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड इनवर्स, ये यानी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी माइनस का, ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है, तो हमको बताना है कौन सी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा केल्विन, यानी कि डी ऑप्शन। आई क्वेश्चन है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो कौन सी नहीं है ये हमको बतानी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन समय। आई क्वेश्चन है निम्न में से किस युग्म का इकाई समान नहीं होती है, तो हमें इनमें से बताना किसकी नहीं होती है, बल और दाब की नहीं होती है। आई क्वेश्चन है मदनता की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है, और दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और ये हमारे शिफ्ट में आया हुआ था तो आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी कि मीटर सेकंड माइनस का 2, ठीक है इनवर्स ऊपर लगेगा। अगला क्वेश्चन है पास्कल बराबर क्या है, तो पास्कल बराबर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर इनवर्स में 2 माइनस का, ठीक है सही मिलान कीजिए, तो हमको सही मिलान करना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हमारा सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाले का फर्स्ट से सेकंड वाले का सेकंड पो फर्स्ट वाले का इससे मिल जाएगा और इसका सी से मिल जाएगा और तीसरे वाले का बी से मिल जाएगा और डी वाले का सी मिल जाएगा, ठीक है तो इसका सी हो, इसके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। आए क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऐसा इकाई के मोल का प्रतीक है, तो कौन सा है, तो राइट ऑप्शन होगा मोल, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन किलोवाट हावर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा मात्रक जो है कूलाम अपॉन सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, तो 39 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं बी ऑप्शन एम्पियर, ये हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, 40 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जाती है,
तो किस में मापते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 41 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा डेसिमल, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। एक एटोमोस्फेयर बराबर कितना होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 × 0, 1 × 10^5 पी, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर होता है। एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, तो एक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 ओम माइनस का 1, इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। एक मीटर किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10^6 माइक्रोन, और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है एक मीटर बराबर। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्स मीटर, यानी सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, 1 किलो हावर्स बराबर क्या होगा, तो ये हमको बताना है, तो 47 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 3 × 6 × 10^6 जूल, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 1 किलो वाट बराबर शक्ति के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, ये हमको बताना है। 48 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1000 वॉट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, 5.5 किलो वाट हावर्स, तो ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 19.8 × 10^6 जूल, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg × 1 m² यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो किसे मापा जाता है, ये नापा जाता है दूरी को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^1/10^9 मीटर, अगर ये ऊपर कर देंगे तो 10^-माइनस की हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 कूलम/1 सेकंड बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1 एम्पियर। 1 पिको मीटर के बराबर है, तो किसके बराबर है, ये हमको बताना है, तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा 54 का, यानी कि सी ऑप्शन, ये हमारा सही हो जाएगा 10^-12 मीटर। आगे क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर कितना होगा, तो राइट ऑप्शन जो होगा 55 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 न्यूटन × 1 मीटर, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत, यदि खपत, हाँ खपत यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये हो जाएगा 3 × 6 × 10^8 जूल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, 57 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, पेरीस्कोप। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो 58 का हमारा सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, 59 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हेलियोस्कोप। अगला क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण उपयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रयोग किया था, ये हमको बताना, 60 का हमारा सही ऑप्शन जो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन, वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक शाफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका करेंगे, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 61 का हमारा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा बी, टेकोमीटर। व्योमापी मूलतः एक है, तो हमको बताना क्या है, 62 का हमारा सही ऑप्शन जो जाएगा ए ऑप्शन, एक मापन उपकरण है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा एमीटर में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एमीटर को क्या करते हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 64 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हम मीटर को सरणी क्रम में लगाते हैं, और इसमें क्या होता है, में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और कम विद्युत खींचना, यानी कम विद्युत को ये लेता है, खींचता है, तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको मापने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ स्टेला ग्लोमोमीटर का उपयोग होता है, तो यहाँ पर थोड़ा अजीब नाम था, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन 65 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पृष्ठ तनाव, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो कौन सा है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 66 का हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन, यानी कि पिटोट ट्यूब।
मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में क्या होता है ये हमको बताना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन, वोल्टमीटर करंट और ओम, यानी कि ये सब चीज़ों को नाप सकता है, तो हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा 68 का वो हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करेंगे, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 69 का, यानी कि बी ऑप्शन, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सोनार ग्रहणों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाज में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 71 का हमारा, यानी कि वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पानी की गहराई। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग करेंगे, तो 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोमीटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करेंगे, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यानी कि 73 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑटोमीटर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहन की गति नापने में मदद करता है, तो वाहन की जो गति होती है वो कौन नापता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन, स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो ये क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 76 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सोनार। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उस तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर जो है विद्युत धारा से है, तो ओम मीटर किससे संबंधित है? 77 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा यानी कि प्रतिरोध, यानी कि सी ऑप्शन। खाली स्थान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग का मापने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? 78 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन, हम करेंगे एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका एक एक है? तो प्रकाश वर्ष किसका, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन इसका बी ऑप्शन, यानी कि दूरी का है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समय और इकाई नहीं है? मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई बताने में से कौन सी नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 80 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि समय की प्रकाश वर्ष। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नूरी सॉल है, तो नूरी सॉल क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 81 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। अगला क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है, तो कौन सा हो जाएगा? 82 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि न्यूटन। एंगस्ट्रॉम खाली स्थान को अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो किसको अभिव्यक्त करती है? 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये करती है लंबाई को, एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर क्या होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 84 का वो हो जाएगा 10^5 पास्कल। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है ये बताना, 85 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, ज्योतिष फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैंडेला, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 87 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की का ऐसा क्या है? तो श्यानता की वो इकाई क्या हो जाएगी? 88 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पोआई जुली, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फ्लांक नियतांक एच की बीमा समान है, तो किसकी है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कोणीय संवेग। अगला क्वेश्चन हमारा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किसकी है? तो 90 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, ऊर्जा। आगे क्वेश्चन है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो क्या होती है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 91 का वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि ये कोणीय वेग की विमा है, M0, L0 और T पे माइनस का 1 इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है त्रुण की इकाई क्या है, त्रुण की इकाई पूछी गई, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 92 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 93 का वो होते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन, मिलीमीटर पूछे गए हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, एक मिनट, हाँ यही होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फेमटो बराबर होता है, तो एक फेमटो बराबर क्या होता है ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन जो होगा 94 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 10^15 माइनस का 15 मीटर। अगला क्वेश्चन है एक म्यू मीटर बराबर सेंटीमीटर, एक म्यू मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो राइट ऑप्शन जो होगा 95 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 10^-4 सी हो जाएगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा 96 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 0.001 मिलीमीटर। क्वेश्चन है किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट, तो किसका प्रयोग करते हैं, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 97 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है वो कैपिटल जी की इकाई पूछी गई है, तो क्या हुई, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 98 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। आवेग माप है, तो आवेग किसका माप है, तो ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भार का माप है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर है, तो एक माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो किसी युक्ति को, यानी वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रोम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रोम मापता है तरंग दैर्ध्य को। अगला क्वेश्चन है टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, उससे हम चाल मापते हैं। अगला क्वेश्चन है एनेमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, तो हम मापते हैं पवन वेग मापने हैं। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए एक उपकरण, अल्टीमीटर ए ऑप्शन। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है जब अलग अलग होते हैं, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, तो कौन सी हो जाएगी बल, बल क्या है वेक्टर राशि है। सदिश राशि है, तो इनमें से हमको बताना कौन सी, तो सदिश राशि कोणीय संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, या धारा है, अदिश और दाब और शक्ति, ये हमारी अदिश राशियां हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो हमको बताना इनमें से कौन सी नहीं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा 111 का डी ऑप्शन, यानी कि द्रव्यमान। आए क्वेश्चन है हमारा किसी सदिश का परिणामी कभी नहीं हो सकता है, मतलब कोई सदिश राशि है उसका परिणामी कभी नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि 112 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है अदिश राशि कौन है, इनमें से हमको ये बताना है अदिश राशि कौन सी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि बलागुण क्या हमारा ये सदिश है और संवेग भी हमारी क्या सदिश है, तो ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है, तो यही हमको बतानी, तो अदिश राशि कौन सी है, तो यही हो जाएगा ए ऑप्शन। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो अदिश में भूला गया, तो राइट ऑप्शन हमारा 114 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दिशा क्या होता है, परिणाम तो होता है इसमें लेकिन क्या, दिशा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होगा, तो 115 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेल किसकी इकाई है, तो वेल पूछी गई है, बल नहीं है, ठीक है कंफ्यूज मत होना, 116 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ये क्या होता है, वेल जो होती है ये किसी की इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो कौन सा हमको ये बताना है, इनमें समय का मात्रक नहीं है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 117 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहा जाएगा समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि कार सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है,
तो कौन कर सकता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकता है। क्वेश्चन है हमारा, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण होगा, तो कितना कोण होगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, तो कितना हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन 180 जूल। यदि एक हवाई जहाज किराए पर दोस्तों 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20 हजार जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन, यानी कि 5 न्यूटन। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो किस में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने, तो कौन सा, फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा, तो कितना होगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का हमारा डी ऑप्शन, ये हो जाएगा माइनस का 98 जूल। क्वेश्चन है, एक कुली कुली जो है जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उस जमीन से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य गणना बताने कितनी है, कितने जूल होगी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 400 जूल हो जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है, तो कितनी होगी। तो 9 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1 जूल हो जाएगी। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा 0 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 प्रति वो मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए तो यहाँ पर थोड़ा कट गया, उस पर किया गया कार्य कितना होगा, तो कितने जूल होगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150 जूल। क्वेश्चन है हमारा, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति तक गिराया जाता है, जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो 12 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ये हो जाएगा ये फर्स्ट वाला 1.96 जूल। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो खाली स्थान, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य होगा, ठीक है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य हो। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक तो उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा 240 जूल। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। 15 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो कहलाती है ऊर्जा, ऊर्जा होगी वही हम कार्य करने की क्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो वो क्या होगा। ये राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्न में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो किस में नहीं किया दिया हमको बताना। चारों ऑप्शन में 17 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कपिल अपने कंधे पर 10 किलो kg भार लेकर खड़ा है, तो वहाँ पर कार्य नहीं, इनमें से किस में नहीं किया जाता, तो यही हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कौन सी कंडीशन में होता है। तो 18 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो ही दोस्तों क्या हो जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि किया गया
कार्य किया गया है, तो इनमें से बताना है कौन से किया गया है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। ये क्या पूछा है इसमें से, किया गया किया कि कार्य किया गया। अच्छा हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर, मतलब रख कर यहाँ पर बोला गया, हाँ रख कर चल रही है, ठीक है। श्रुति कुश्ती पर बैठी है और खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में असफल है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। अगला क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके बाद किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा सी ऑप्शन 0। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, तो पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रही है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किन्हीं में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो वेल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 22 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 90 डिग्री। क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है। तो बताना है हमको, राइट ऑप्शन जो है 80 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 25 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 10 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो 24 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 150 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि, तो कार्य दोस्तों किसके द्वारा होता है यदि पूछा, तो 25 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। तो 26 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शून्य होता है। आए क्वेश्चन देखते हैं, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य है, तो कितना हो जाएगा। राइट ऑप्शन 27 का हो जाएगा 120 जूल। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें, तो कितना हो जाएगा। तो 28 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि हो जाएगा सी ऑप्शन 8 मीटर। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे भद्दे हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ, आपको अच्छी समझ में आ जाएंगे। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है, तो कितना हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन 50 जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है। 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वस्तु के द्रव्यमान पर। इनमें से क्या सही है, तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों, हाँ ये है, तो गलत हो गया था थोड़ा हमारा। इसमें क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो 30 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, गलत हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहला वाला विस्थापन ये भी हमारा सही है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर ये भी हमारा बात एकदम सही है प्रॉपर तरीके, और प्रयुक्त बल पर, तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा डी वाला, वो यानी कि वो नहीं होगा। यदि बल F=0 इसलिए किया गया कार्य कितना होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का हमारा सही ऑप्शन वही हमारा 0 होगा। एक पोर्टर जमीन से 22 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा 32 का हमारा सही ऑप्शन 180 जूल होगा। अभी ये एक क्वेश्चन भी हुआ था, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टू सेम। आप सिर्फ आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। एक वस्तु पर 25 न्यूटन पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो कितना होगा। तो 33 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन सी ऑप्शन 125 जूल। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे स्थापित करने में विफल रहे, तो
एक खाली स्थान करता है तो क्या करता है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन 34 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा तो कितना होगा, तो राइट ऑप्शन जो होगा 35 का हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन 48 जूल। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है तो किस पर निर्भर नहीं करता, राइट ऑप्शन जो 36 का हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन वस्तु के प्रारंभिक वेग, ये हमारा सही हो जाएगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए तो कौन कौन सी होनी चाहिए ये हमको बतानी है, इनमें से कौन सी होगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का हमारा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है तो क्या कहलाता है, 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन कार्य कहलाता है सी। क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य खाली स्थान निर्भर नहीं करता है तो किस पर निर्भर नहीं करता ये हमको बताना है तो ये ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य पर निर्भर नहीं, वो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का हमारा सही ऑप्शन वो भी किस पर नहीं करता है, संवेग पर का किस पर कार्य निर्भर नहीं करता है तो ये 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित चल स्थानांतरित चाल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है तो 40 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन किया गया कार्य। आए क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड पर कार्य भी किया जा सकता है जब खाली स्थान तो कब किया जा सकता है तो 41 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा 41 का ए ऑप्शन क्या ये वाला, एक यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर की कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन ये हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए तो कितना करेगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन 110 जूल। अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा कितना होगा, तो इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचा वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी बराबर 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा हमारा इसका 400 जूल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार्य की गणना, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 46 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा तो कितना होगा, 47 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा ए 20 जूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल को तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 48 का सही ऑप्शन सी 100 जूल। क्वेश्चन है हमारा, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक स्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य तो कितना हो जाएगा, 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा 500 जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उसे कहा जाता है तो क्या कहा जाता है ये हमको बताना है, तो 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा उसको बोलते हैं कोई कार्य नहीं हुआ है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा तो कितना होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शून्य होगा। एक बस 4000 न्यूटन के बल से स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है तो बस द्वारा तय की गई दूरी
तो कितनी करेगी, तो 52 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 0.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है तो ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य की गणना बताइए, तो कितने जूल होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 जूल। एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए, तो कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन चारों ऑप्शन में से 54 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन 400 जूल। एक कुली 13 केजी की सामान अब जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो किया गया कार्य की गणना, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन 55 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन 195 जूल। एक लड़का 4 केजी स्कूल बैग को अपने 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी, तो कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा सी 0 होगी। अगला क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब, क्या होगा दोस्तों, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का, जब ऊर्जा तभी हमारा कार्य होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, तो हमको ये बताना, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 58 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 59 का हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन, कोई कार्य नहीं हुआ। यदि बल और विस्थापन के बीच खाली स्थान है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो कब होगा ऋणात्मक, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 60 का हमारा सही ऑप्शन, कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। एक वस्तु का 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो कितना होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 61 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा डी ऑप्शन 625 जूल। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जूल में कितना होगा, तो राइट ऑप्शन जो है 62 का हमारा सही ऑप्शन 500 जूल होगा सही ऑप्शन बी। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार में घुमाए तो क्या हो जाएगा इसका किया कार्य, 63 का हमारा एकदम सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, तो कब माना जाता है, 64 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बल की विपरीत दिशा में। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं है, मैं अच्छे से बोल दे रहा हूँ आप सुन लेना। ठीक है, तो 65 का हमारा क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाएं तो रखने में किया गया कार्य, तो कितना होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 65 का हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जूल यानी कि 0 शून्य। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तब चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितने जूल होगा, तो 66 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन, उसके द्वारा कार्य 0 होगा सी ऑप्शन। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसे उसी स्थान पर ले जाते हैं, उसके द्वारा चला गया कार्य कितना होगा, तो ये हमको बताना, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 67 का वो हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन डी ऑप्शन 0 होगा। 1 जूल बराबर है, तो 1 जूल बराबर कितना होता है अर्घ, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन 68 का वो हो जाएगा सी यानी कि 10^7 अर्घ के, ये हमारा एकदम 68 का पूछा गया था, तो हाँ सही 68 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आए क्वेश्चन है, ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम मात्रा की 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा, तो किया कितना किया जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा 9.8 पे वो कोष्टक लगा हुआ स्क्वायर जूल। ठीक है, शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या है, तो W का अर्थ क्या है, बहुत ही सिंपल है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा कार्य। निम्न में से कौन सी, थोड़ा सा हम जूम कम कर दें, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है, तो कौन मापता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन डी ऑप्शन शक्ति। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्य कुल बल कितना होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा सी ऑप्शन 15 न्यूटन। शक्ति का सूत्र क्या है, तो शक्ति का सूत्र जो है दोस्तों, शक्ति बराबर होता है हमारा ये होता है कार्य अपॉन समय यानी कि बी ऑप्शन इसका
सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मोहन का वजन 40 kg है तथा 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़कर जाता है, तो प्रत्येक सीढ़ी में ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति क्या होगी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन 300 वाट। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति मात्रा होगी तो 50 वाट। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 333.33 वाट। अगला क्वेश्चन, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और संवेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शक्ति। अगला क्वेश्चन है, 1 kg भार वाली लड़की 4 सेकंडों में 5 मीटर तक ऊंची वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 500 वाट। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियों को 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 360 वाट। अगला क्वेश्चन है, कौन शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपन कुल समय। 50 kg भार वाला लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसके द्वारा शक्ति ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा सी ऑप्शन 300 वाट। 50 kg भार का एक लड़का 45 चढ़ों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात का पता करें, तो कितना हो जाएगा? 14 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 375 वाट। अगला क्वेश्चन है, 40 न्यूटन वाली भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊँचाई पर पहुँच सकेगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 मीटर पर। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 330 वाट। अगला क्वेश्चन है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 322.5 वाट। अगला क्वेश्चन है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता था, हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली इंजन में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये उदाहरण पूछा किसका है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी, तो ये होगी 640 J/s। निम्न में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो हम इनमें देख सकते हैं हमारे सभी सही हैं, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अशुशक्ति एक बराबर है, तो ये होता है अशुद्ध शक्ति। पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यू। ठीक है, यहाँ पर यानी कि ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वाट हावर बराबर कितना होता है? एक वाट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक डब्ल्यू एच बराबर कितना हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। 1000 वाट बराबर कितना होता है? ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, एक शक्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग होगा, तो क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा स्थिर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 मीटर लंबाई का एक समान चेन टेबल पर रेखी ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका है, चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है, तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य कहलाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 3.6 जूल। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो
ऊर्जा खाली स्थान के रूप में संग्रहित होती है, तो कौन सी होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगी, वो स्थितित्व ऊर्जा ही रहती है। बंधे और जो बांध होते हैं, जल होता है हमारा उन्हें भरा हुआ, उसमें भी हमारी स्थितित्व ऊर्जा होती है। खाली स्थान कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किस में होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, गैस में होती है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक घर में एक माह में 900 × 106 जूल ऊर्जा की खपत हुई, तो इकाई में ऊर्जा कितनी होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 250 ऊर्जा होगी। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थित ऊर्जा बदल देता है, तो स्थित ऊर्जा किस में पहुंच जाती है? गतिज ऊर्जा में पहुंच जाती है। एक एक वस्तु की स्थित ऊर्जा में इसकी खाली स्थान के साथ वृद्धि होती है, तो किसके साथ वृद्धि होती है? ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, बी ऑप्शन। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्थितित्व ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, तो क्या प्राप्त करती है? गतित ऊर्जा प्राप्त करती है। क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति 40 सेकंड चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? तो ये गतित ऊर्जा से युक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, गतित ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा की व्यवसाय इकाई क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, किलोवाट हावर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 80 kg भार वाली लोहे की गेंद को 3 kg भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से कौन सी राशि समान होगी? तो कौन सी होगी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, त्वरण के समान होगी। अगला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में खाली स्थान ऊर्जा है होती है, तो कौन सी होती है? स्थितित्व ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतित ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति के द्वारा वस्तु में ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिशील वस्तु की गतित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो राइट ऑप्शन है, गतित ऊर्जा होती है। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितित ऊर्जा को गतित ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मूल गुना का 9 गुना हो जाएगी, यानी 3 गुना है तो 3 × 9। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्थितित ऊर्जा होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? स्थितित ऊर्जा। आप कन्फ्यूज मत हो जाना। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतित ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा गतित ऊर्जा की एन गुनी हो जाती है, तो एन का मान क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन 4, यानी कि इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसका वो ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 400 जूल होगा। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गतित ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग होगा? तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। अगला क्वेश्चन है, गतित ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो 1/2 mv² के बराबर होती है। एक व्यक्ति भूमि से 25 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर उसे इनवर्स 2 हो, तो सामान पर किस उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, यानी कितने जूल होगा, ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 625 जूल होगा। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, तो और इसमें गतित ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतित ऊर्जा कितनी होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4k होगी, 4 गुना हो जाएगी उसके। अगला क्वेश्चन है, 50 kg की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 98 जूल होगा। अगला क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसमें स्थितित ऊर्जा होती है।
अगला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य मान कितना होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 200 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थित ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो गतित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 5 केजी और 10 केजी द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों को गति समान ऊपर, मतलब कि एक 10 केजी की एक 5 केजी और समान इस्पात की गेंदें हैं, गतित ऊर्जाएँ समान हैं, उनकी जो गतित ऊर्जा है वो भी समान है, यदि संभावना हो तो गेंद तेजी से गति कर रही है, कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है, उसे हम स्थितित ऊर्जा ही कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, गतित ऊर्जा प्लस स्थितित ऊर्जा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितित ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गतित ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थितित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बहता हुआ जल स्थितित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, गतित ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो उसमें क्या होती है? गतित ऊर्जा स्थितित ऊर्जा दोनों होती है, हमेशा याद रखना, कोई भी पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में, ठीक है, मास एम के साथ चलती हुई, एक मिनट, हाँ 38 का क्वेश्चन हमारा क्या था, ये बोल रहा है कि मास एम के साथ चलती हुई वस्तु की गतित ऊर्जा ई के का मूल्य क्या होगा? यदि इसकी गति को वी से बढ़ाकर 2 वी तक गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, सीधा सीधा 4e, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की और 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड के बाद उसकी गतित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 0 जूल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाली वस्तु की गतित ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 275 जूल होगी। अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में होती है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गतित ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, 11 केजी की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात है तो क्या होगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा 539 जूल होगी निहित ऊर्जा। 40 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया यहाँ पर जूल आप देख सकते हैं दिया गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 686 जूल। अगला क्वेश्चन है, 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 1500 जूल होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतित ऊर्जा को 120 जूल है और उसका द्रव्यमान 15 केजी है तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 मीटर सेकंड इनवर्स 1। अगला क्वेश्चन है, 15 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 8 मीटर इनवर्स 1 के एक समान वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु की गतित ऊर्जा होगी? तो राइट ऑप्शन 480 जूल होगी। अगला क्वेश्चन है, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो राइट ऑप्शन है हमारा उसमें होगी 646.8 जूल। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है गतित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है तो वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप के में साथ में आगे बढ़ते हैं, टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.67 जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतित ऊर्जा होती है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बंदूक की तुलना में अधिक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतित ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्थितित ऊर्जा। अच्छे से आप लोग याद रखना, ये 3 बार पूछा गया, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतित ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? स्थितित ऊर्जा। एक वस्तु की गतित ऊर्जा और स्थितित ऊर्जा का योग को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, उसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर इनवर्स 1 बन के एक समान वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु की गतित ऊर्जा होगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 367.5 जूल।
अगला क्वेश्चन है, 50 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि से संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतित ऊर्जा है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन हमारा, यानी कि बंदूक से निकली हुई, तीव्र गति से कार्य रेलवे इंजन, ये भी सही, साधारण पेंडुलम, यानी कि डी ऑप्शन इसका हो जाए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इस बुक में क्या है ऐसे ही हैं, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं अच्छे से बोल दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। 1 मीटर सेकंड -1 के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतित ऊर्जा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 180 जूल। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर/सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, 1000 जूल। अगला क्वेश्चन है, 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा का गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन, 2000 जूल। अगला क्वेश्चन है, 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर/5 मीटर/सेकंड इनवर्स बन के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें होगी 162.5 जूल। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर/इनवर्स बन की एक गति के साथ चलती है, तो उसकी गतित ऊर्जा क्या होगी। ये होगी 250 जूल, बी ऑप्शन। गतित ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतित ऊर्जा कहा जाता है। 4 मीटर/सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है, तो वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो राइट ऑप्शन होगा 15 केजी की होगी। अगला क्वेश्चन है, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर/सेकंड से 10 मीटर/सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। तो हो जाएगा 30 kg/j। अगला क्वेश्चन है, मीटर/सेकंड इनवर्स 1 की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतित ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतित ऊर्जा कितनी होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 100 जूल होगी। 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 588 जूल होगी। क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा कितना होगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 300 जूल होगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 10 केजी की वस्तु 5 मीटर/सेकंड गति से गतिमान वस्तु की गतित ऊर्जा होगी, तो कितनी होगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा 125 जूल होगी। अगला क्वेश्चन है, 30 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर/सेकंड इनवर्स 1 वेग से एक 40 जी की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा -2.4 मीटर/सेकंड इनवर्स 1। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतित ऊर्जा 400 जूल है, इससे किस ऊंचाई से गिराया गया है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 200 मीटर की। अगला क्वेश्चन है, 10 केजी भार की वाई साइकिल 20 मीटर/सेकंड की गति से चलती है, तो वाई साइकिल की गतित ऊर्जा होगी 2000 जूल। अगला क्वेश्चन है, 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु मीटर/सेकंड इनवर्स 1 के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतित ऊर्जा प्राप्त ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 175 जूल। अगला क्वेश्चन है, 10 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, तो भार को खाली स्थान की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 मीटर।
एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा 400 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 500 वाट। 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, इसकी स्थितित ऊर्जा क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 2000 जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होगा? गतित ऊर्जा में वृद्धि होगी। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होगा? उसकी गतित ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। किसी नियत निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या होगा, स्थितित ऊर्जा उसकी जो होगी वो नियत ही रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरित होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतित ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्यतः स्प्रिंग में तुलना में ऊर्जा होती है तो क्या होती है? अधिक होती है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी क्या होगी? गतित ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। अगला है, 50 केजी द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन यानी कि 3000 जूल कहते हैं, 3000 जूल हो जाएगी। ठीक है, 5 m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 हाइट की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, मतलब तीन उठाया उठाया ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थित ऊर्जा ज्ञात करें तो ये हो जाएगी 4 mgh। अगला क्वेश्चन है, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा 754.6 जूल। 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई हो तब उसमें निहित ऊर्जा होगी तो कितनी हो जाएगी? 686। बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार में परिवर्तन होता है? स्थित ऊर्जा गतित ऊर्जा में परिवर्तित होती है बारिश के दौरान। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 15 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 मीटर। स्थित ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा mgh के बराबर होती है स्थित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, 10 kg की एक वस्तु 2 m/s की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतित ऊर्जा होगी 20 जूल होगी। 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 m/s इनवर्स 1 के एक समान वेग से गति कर रही है तो वस्तु में निहित गतित ऊर्जा कितनी होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 137.5 जूल। अगला क्वेश्चन है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 m/s इनवर्स 1 के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु से कितनी गतित ऊर्जा धारण की है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 187.5 जूल। 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थित 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें, 4 मीटर होगी। निम्नलिखित में से स्थित ऊर्जा के उदाहरण हैं, तो कौन से स्थित ऊर्जा के उदाहरण? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ये दिए हुए हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जितने भी दिए हुए सभी स्थित ऊर्जा के उदाहरण हैं। कार्य करने की सक्षम वस्तु में खाली स्थान होता है, क्या होता है? ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है, उसमें गतित ऊर्जा है इसलिए उसे घुमा सकता है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है, बांध में जो जल होता है वो स्थितित होता है। अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 m/s की गति चाल से गतिमान है तो वस्तु की गतित ऊर्जा कितनी होगी? 360 जूल होगी। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है?
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप ये चित्र देख सकते हैं दोनों वाहनों में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, दोनों चल रहे हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा में क्या होता है, तो उसमें स्थित ऊर्जा ही होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो स्थित ऊर्जा होगी, तो स्थित ऊर्जा होगी क्या होगी, बढ़ती है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतित ऊर्जा खाली स्थान हो जाती है, चार गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर सेकेंड इनवर्स वन एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा 15 जूल होगी। अगला क्वेश्चन है, 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 m/s के एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतित ऊर्जा क्या है, 375 जूल होगी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 N/kg इनवर्स माइनस वन के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थित ऊर्जा होती है, वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई पूछिए 2 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, 15 kg के तौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त स्थित ऊर्जा कितनी होगी, 15 जूल ही होगी। अगला क्वेश्चन है, 30 मीटर इनवर्स वन की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के वॉल की गतित ऊर्जा ज्ञात करें तो कितनी हो जाएगी, 900 जूल हो जाएगी। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतित ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 kg, वस्तु का वेग v बराबर mg, वो m मीटर सेकंड इनवर्स वन है, तो वस्तु की गतित ऊर्जा होगी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में, डी ऑप्शन, 375 जूल। अगला क्वेश्चन, 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु जब एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थित ऊर्जा में 600 जूल है, वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 मीटर। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गतित के साथ बढ़ती है, तो कौन सी बढ़ती है, गतित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या एक समान है ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, खिड़की का कांच तोड़ सकता है, तो इसने क्या बोला, एक समान है, तो हाँ ये एकदम सही बात है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि गतित ऊर्जा, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया है, वस्तु की स्थित ऊर्जा ज्ञात करें, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 mgh, ठीक है, सी ऑप्शन। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक गतित ऊर्जा क्या होगी, गोली से कम होगी, गोली की तेज होगी। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है तो मोबाइल फ़ोन को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, तो ये अब g बराबर इतना दिया हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थित ऊर्जा क्या होगी, 500 जूल होगी। 11 केजी की एक वस्तु का जब भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 862.4 जूल, 862.4 जूल। अगला क्वेश्चन है, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 735 जूल। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 588 जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h है 1/4 पर वस्तु में होगी, तो क्या होगी, कम स्थित और गतित ऊर्जा होगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, गतित ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतित ऊर्जा खाली स्थान होती है, बंदूक की तुलना में अधिक।
तो केजी एक ब्लॉक 4 मीटर अपॉन सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दाबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा इसे तब तक दबाया जाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन ना हो जाए। गतित ऊर्जा की घर्षण 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन अपॉन मीटर है। स्प्रिंग खाली स्थान से दबाता है तो ये दबाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा। 2 केजी तथा 4 केजी के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाएं तो सी यानी कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर डब्लू न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। 4/9 W ये हमारा सही हो जाएगा। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 2t सेकंड। एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर/सेकंड की गति से फेंका जाता है, ऊपरी दिशा में जाने वाले समय की गणना कीजिए। बी हो जाएगा यानी कि 4 सेकंड, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई होगी लगभग 80 मीटर। किसी गेंद को 5 मीटर/सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने कितना समय लेगी? 2 सेकंड लेगी। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण है? विश्राम जड़त्व पर गिरने की आशंका रहती है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण गेंद को गति के विपरीत दिशा में होगा, यानी गेंद की गति के विपरीत दिशा में क्या हुआ हमारा इसमें गुरुत्वाकर्षण। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? तो भीतर की ओर क्या होता है, वो झुक जाता है। आपने देखा होगा, आपने भी साइकिल चलाई होगी, सी ऑप्शन। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो वह अंदर की ओर तरफ लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है, साइकिल सवार और कार सवार चालक दोनों ही अपकेंद्रीय बल महसूस करते हैं, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वाशिंग मशीन कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है तो किस पर है? अपकेंद्रण बल पर आधारित है, ए ऑप्शन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है दोस्तों? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन, समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंद आती हुई बॉल को अपने हाथों को पीछे गोर कर लेता, क्यों कर लेता? क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही स्थित एक ही गतित ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग परिणाम का अनुपात होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन, एक सीधी रेखा को साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन एक्स समय टी पर निर्भर करता है, जबकि एक्स बराबर एटी क्यू प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है ये हमको बताना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बीटा और गामा पर निर्भर करती हैं। पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा पर है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/81, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा? तो 2.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा, तो कितना होगा? 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का m/s² के त्वरण से नीचे गिरती हुई एक लिफ्ट में लटका है, लड़के का आभासी भार है होगा, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। नीचे दिए गए वेग आरएफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो है ये वाला, तो बी और सी करता है।
अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर/सेकंड की दर से गतिशील वस्तु कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले को लड़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतित ऊर्जा से अनुपात निम्नलिखित होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2.7 2:7। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, तो क्या होगा, अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घूमते हुए सॉफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद समान गति से घूमती है, सॉफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के खाली स्थान कोणीय वेग के साथ धागा सॉफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है, तो क्यों करता है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा घटते हुए में लिपटता हुआ कर देता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति से घूर्णन किससे मापी जाती है, तो ये नापी जाती है स्कोप से नापी जाती है। एक फ्लाई व्हील एक समान कोणीय त्वरण के साथ घूमता है, इसके कोणीय वेग में 10 सेकंड में 2π rad/s में वे से 40π rad/s की वृद्धि हो जाती है, इस अवधि में वह कितनी बार घूमता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह 150 बार घूमता है, कितनी बार, 150 बार। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m का एक 36 मीटर स्केल इसके दो सिरों पर बंधी दो ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया जाता है। द्रव्यमान 2 मीटर का एक पिंड 75 सेंटीमीटर निशान पर रखा जाता है, दोनों डोरियों में तनाव का अनुपात होगा, तो कितना होगा, 1:2 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गतित ऊर्जा नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है उसमें गतित ऊर्जा नहीं है, इसमें क्या हो जाएगी, स्थित ऊर्जा होती है। एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है, जल प्रतिरोध की अपेक्षा कर दे, वह व्यक्ति जब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है, जल के संबंध में व्यक्ति नाव और तंत्रा के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा, तो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि सभी परिस्थितियों में, यानी जो हमारे दिए हुए हैं सभी सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का राशि के लिए किलोग्राम का समय के लिए सेकंड का ताप के लिए केल्विन का विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का प्रकाश घनत्व के कैंडल का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, तो कहते हैं, तो ये है, ये सभी सभी के हमारी SI प्रणाली है, डी ऑप्शन हो जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतित ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाती है, बी ऑप्शन। यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतित ऊर्जा का अनुपात होगा, तो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दोगुना भारी है, 298 K पर हीलियम परमाणु की औसत गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बी ऑप्शन, यानी कि हाइड्रोजन अणु से जितनी ही हो जाएगी। यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी स्थित ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतित ऊर्जा हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 रह जाता है। किसी वस्तु का संवेग, तो जो होता है संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले दर्शन के एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पार्क प्लग द्वारा पहचाना जाता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं, तो ये करते हैं डी ऑप्शन, विद्युत जनित्र द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा अगला, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा 240 मात्रक। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा होती है।
जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। अगर वस्तु का वेग दोगुना हो जाए वेग तो उसका संवेग भी क्या हो जाए दोगुना हो जाएगा। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग होगा ज़्यादा होगा, बी ऑप्शन। जब एक कण का प्रारंभिक वेग 3i+4j तथा त्वरण 0.4i+0.3j तो 10 सेकंड के बाद उसकी चाल होगी तो ये होगी 7√2 यूनिट। एक किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन, यानी कि सी ऑप्शन। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो उसमें स्थितित ऊर्जा पाई जाती है। जड़ता गुड़ व कोड़ी त्वरण का गुणनफल होता है तो क्या होता है गुणनफल, टार्क होता है। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है फिलेट कहा जाता है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के गट्टे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, गाड़ी के द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, डी ऑप्शन। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है तो जो फिश प्लेट होती है उसका काम क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन, यानी कि दोनों पटरियों को जोड़े रखना। अगला क्वेश्चन है, इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त है तो ये प्रयुक्त है क्लच। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न हैं क्योंकि वो क्यों किस लिए भिन्न है, यानी कि उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है, अलग अलग है, तो फर्स्ट ऑप्शन सॉरी सी और डी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि रॉकेट में इंजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर से वातावरण से प्राप्त करता है, ठीक है, और रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं ले जाता है, तो सी और डी सही होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए वाला। दो डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 तथा 5.1 डंडों की कुल लंबाई क्या होगी तो डी ऑप्शन हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। एक केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के साथ छोर से बांध दिया जाता है, उसे 36 वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड है तो धागे के तनाव का मान होगा तो क्या हो जाएगा 4N हो जाएगा। एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में SI दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकंड में तय की दूरी H2 होगी तो कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा H2 = 3S1। अगला क्वेश्चन, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 31.3.6 मीटर। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है तो गति में नॉट का प्रयोग किया जाता है, एक कार की गति, तो इसको आप स्किप कर दें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु के संवेग 20% की वृद्धि होती है तो ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 44% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, टायरों में 2 kg/cm² बराबर क्या होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 28, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कब कहाँ पर नहीं होगा, किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होगा, डी ऑप्शन। चंद्रमा की सतह से चट्टान को लाया जाता है जबकि इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, उसका भार तो परिवर्तित हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, जैसी है वैसी ही रहेगी। किसी गैस का आयतन स्तर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने % बढ़ाना होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका 25% बढ़ाना होगा। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है तो उसे बोलते हैं नेफोस्कोप बोलते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं तो अल्टीमीटर से हम दोस्तों भूतल की ऊंचाई नापते हैं, भूतल से ऊंचाई नापते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है तो लिफ्ट कहां पर जाएगी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन त्वरण के साथ नीचे। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है तो त्वरण जब दोस्तों त्वरण के साथ ऊपर जाते समय भार अपना महसूस करता है। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष
यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व के गुरुत्व पृथ्वी यानी उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी के गुरुत्व से गुरुत्व के विरुद्ध। शरीर का वजन तो यहाँ पर दिया हुआ है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, शरीर का वजन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है गुरुत्वाकर्षण बल अधिक छिड़ता के कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। एक नदी किनारे सड़क थी, दो मित्र घूमने निकले तथा एक निकलने तथा स्थान ए से चलकर वहीं पर स्थित मंदिर तक जाकर वापस ए लौटे। 12 किलोमीटर घंटा की चाल साइकिल पर जाता है तथा दूसरा 10 किलोमीटर घंटे की नाव से नदी के बाहर। तो यहाँ पर पूछा गया दोनों मित्रों से ए पर पहले लौटेगा, तो यहाँ पर साइकिल से जाने वाला क्या होगा दोस्तों, पहले लौटाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 फीट प्रति सेकंड की गति, खाली स्थान मीटर अपॉन सेकंड के बराबर होगी, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगी 4.57। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड वेग वी के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई एच तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? यानी कि अनंत होगा, यानी कि इन्फिनिटिव। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है, तो गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है वैसी दिशा में, गोली क्या होगा दोस्तों, बंदर के सिर में छेद कर देगी, यानी कि बंदर के सिर में छेद कर देगी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक ट्रक तथा एक कार समान विद्युत ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों वाहनों के ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु से 10 किलोग्राम की गोली 500 मीटर पर सेकंड गति से फायर की जाती है, तो गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो किसके होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिरने के समय का वर्ग। भौतिक तुला कार्य करता है, तो ये है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, समानांतर बल के नियम पर। भौतिक तुला कार्य किस पर करता है? तो भौतिक तुला जो है समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। जूल निम्नलिखित इकाई है, जूल किस इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को नापा था। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो ये होती है यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसको स्पीक कर देते हैं, 5 सेकंड बाद पिंड का वेग होगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो इनको हम स्किप कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर टी सेकंड में एस मीटर दूरी तय करता है, तो जहाँ पर दिया हुआ है तो 2 सेकंड बाद क्या हुआ? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन हो जाएगा। दस किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा है 980 जूल, बी ऑप्शन। एक ही तरह के दो ट्रेन ए व बी एक ही चाल से एक दूसरे के समांतर विषवत रेखा के दोनों ओर उल्टी दिशा में चल रही हैं, ए पूरब से पश्चिम और बी जो है पश्चिम से पूरब की ओर, तो दोनों ट्रेनें आपस कौन सी ट्रेन अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी? तो यानी कि जब दोनों आ रहे तो सेम आ रही, तो यानी कि दोनों बराबर ही होंगी, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। एक गतिज ऊर्जा वेग में 25% वृद्धि गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका हो जाएगा 56.25% वृद्धि। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 सेकंड एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 60 यानी 50 किलोमीटर पर आवर तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना होगा? ये हो जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर तो उसमें क्या होगा? अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधार कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा, उसका रूढ़ में दो गुना हो जाएगा। एक सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों उसकी लंबाई जो है 4 गुनी कर दी जाए। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए तो क्या होगा? लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 गुनी होगी। 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी कितना होता है? तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो क्या होगा दोलन काल का? यानी कम हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। एक लड़की झूले पर बैठती बैठकर झूलती है, जब लड़की खड़ी हो जाती है तो झूलने में लगने वाला समय निम्न होगा तो कम होगा, कमतर यानी कम हो जाएगा। एक सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन एफ है एवं आई उसकी प्रभावी लंबाई है तो एवं जी बराबर गुरुत्वाकर्षण वो गुरुत्वजनित त्वरण तो समा अवधि टी को दिया जाता है तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा टी बराबर 2π रूट में आई अपॉन जी। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा याद रखना गतित ऊर्जा कभी मत लगाना, स्थितित ऊर्जा होती है। किसी सरल लोलक की लंबाई को 44% बढ़ा दिया जाए उसके आवर्तकाल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो कितनी होगी? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 20% की वृद्धि हो जाएगी। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है तो इसका राइट ऑप्शन है क्या बोले? सरल आवर्त गति में स्थित रहता है आवर्तकाल में रहता है। कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 231 का हमारा सही ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो 231 का वो हो जाएगा बी, यानी कि टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतित ऊर्जा अधिकतम होती है, कहाँ पर होती है? मध्य स्थिति पर अधिकतम होती है, यानी बीच में। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम गति दी जाती है तो कितनी जाती है? ये सही हो जाएगा, आप इसको मत कर देना बी वाले को, 11.2 किलोमीटर/सेकेंड, मिनट गलत हो जाएगा, हमेशा याद रखना किलोमीटर/सेकेंड। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो कौन सा होता है? अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, अगर वो अलग हो जाएगा तो अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा, ठीक है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंग को आसानी से सामान्यतः लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, तो उसको कहते हैं डी, यानी प्रत्यस्त प्रत्यानयन बल, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान समतल अगन पर सीधी रेखा में एक वक्र के खिसकने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशता निर्भर करती है, तो ये जो निर्भर करती है वो करती है वक्र को खिसकने की दूरी पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु क्या होगी? अगर 0 हो जाएगी तो सतत वेग से चलती रहेगी। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था? किसी वस्तु, यदि किसी चल वस्तु, चल पूछिए, चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? सतत वेग से फिर भी एक लगातार में कंटिन्यू चलती रहेगी, डी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भार व आयास क्रमशः डब्ल्यू व पी हो तो यांत्रिकी लाभ है, तो कौन सा हो जाएगा? W अपन P हो जाएगा, तो हमारा C वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मोमेंटम 20% घटा दिया जाए या घटा दिया जाता है तो ई के ई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 36% की वृद्धि हो जाएगी, ई ऑप्शन। यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का एक तिहाई कर दिया जाए तो कण की गतित ऊर्जा हो जाएगी, तो 1/9 गुना हो जाएगी, तिहाई पहुंची तो 1/9 गुना हो जाएगी सीधा सीधा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतित ऊर्जा होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा p² / 2m हो जाएगी। किसी प्रणाली के गणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं, तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान में कितना प्रतिशत के मान में लगभग कितना है, लगभग कितना है, तो ये हो जाएगा डी यानी 11 है। पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है तो बी ऑप्शन सही होगा, 11.2 किलोमीटर सेकंड, अगर अपॉन में रहेगा तो सेकंड रहेगा, ऊपर आ गया तो माइनस इनवर्स 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कोणीय वेग का सही इकाई है, तो कौन सी जगह, रेडियन अपॉन सेकंड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समान त्वरण। एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है 15 m/s वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसकी गति जो है 5 m/s हो जाती है, तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान होगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी 1000 N होगा। वर्जियर की अल्पमांक की व्याख्या है, तो क्या है उसकी व्याख्या, उसकी व्याख्या ये है, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान और वर्नियर के कुल खानों की संख्या के अनुपात, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतित ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा, तो ये होगा रेल इंजन का। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है, तो ये है ऊर्जा के नियम का। एक गेंद किसी ऊंची इमारत की छत से अचरण तुरंत 9.8 m/s से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो राइट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 29.4 m/s। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम 36 दूरी तक जाएगी, हम फेंकेंगे 45 डिग्री से। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है, तो किस पर होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हमें श्वास रहित महसूस करते हैं, क्यों, इसलिए हम करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की वहाँ पर मात्रा जो होती है वो कम होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर किसने समय बाद सुनाई देगी, मतलब कितने समय बाद सुनाई देगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं सुनाई देगी। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एक दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर हो ओर होता है तो यह कथन किस में लागू होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तरी ध्रुव जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव की ओर, यह कथन किस में लागू होता है, तो ये होता है चुंबकीय, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। यदि प्रक्षेप के वेग का दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना हो जाएगा, 4 गुना परास हो जाएगा। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार होता है, प्रक्षेप का पथ हमेशा याद रखना परवलयाकार होता है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, भार में कमी आएगी। निर्माण में यदि 3 वस्तु लोहा कागज और पत्थर को एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तीनों साथ में ही आएंगे निर्वात में। कुछ लोग बोले नहीं पहले लोहा आएगा, ऐसा
पत्थर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। बोले लो निर्वात में है तो साथ में ही आएंगे, ठीक है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केपलर ने किया था। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य जो अभिकेंद्र बल है हमारा सदैव कार्य करता है, तो ये हमेशा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश के कार्य करता है। एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तथा वह 10 मीटर की ऊंचाई उच्चतम ऊंचाई तक ऊपर उठता है। वह वेग जिसे पिंड के ऊपर फेंका तरफ फेंका गया था, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 मीटर/सेकेंड। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.8 किलोमीटर/मिनट। क्षैतिज वृत्त में नियम चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो है त्वरण, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोग्राम/मीटर/सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो ये लगाना होगा 8 न्यूटन लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 9.8 मीटर/सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर प्रक्षेपित किया गया है, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा? तो ये हो जाएगा 2 सेकंड, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतित ऊर्जा खो जाएगी 9 गुना। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है, तो इसका अर्थ ये है ऊर्जा संरक्षित है, ना ही सृजन होता है ना ही इसका विनाश होता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेंगी, तो दोनों साथ ही गिरेंगे, ये बात याद रखना। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही एक वस्तु एक समान से गिरती है, कब गिरती है? मतलब कि त्वरण। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है तो वस्तु का एक समान क्या होगा? त्वरण। किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान V है तो सामर्थ्य P का मान होगा, उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? F×V। घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है तो कैसी होती है? स्थितित ऊर्जा होती है, बी ऑप्शन। गतिमान वस्तु में होती है तो गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतित ऊर्जा होती है, डी ऑप्शन। चलती गाड़ी में बैठे आदमी ऊर्जा होगी तो जो चलते में दोनों होती है, गतित ऊर्जा और स्थितित ऊर्जा। यदि 2 ns संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतित ऊर्जा तो क्या होगी? 2/3 जूल। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ये होता है सी, यानी कि ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। एक फोटो विद्युत सेल खाली स्थान परिवर्तित करता है, ये करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि सी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है, टेलीफोन लाइन में हमेशा याद रखना कि विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बैटरी हमारी परिवर्तित करती है। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही जल्द, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, जिससे कि इस वीडियो का प्रैक्टिस जो है फास्ट तरीके से आप लोग हमारी वीडियो से कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।